जाड़ा कर मौसम में मुर्गी की देखभाल कैसे करल जाए, अगर इकर बारे में जानना है तो चलू रौरेमन के हम फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी दिवा थी। मुर्गी पालन जितना फायदेमंद है उतना ही मुर्गी पालन में रख रखाव और देखभाल की जरूरत होती है। किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जाड़े के मौसम में मुर्गियों को उन्हें उचित देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो और मौसम के मुकाबले इस समय तापमान बहुत कम रहता है और जिसके चलते उनको मुर्गियों में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे मृत्यु दर ही बढ़ जाती है। वो जैसा हम जानते हैं कि मुर्गियों का अंदरूनी तापमान भी बहुत ज़्यादा रहता है, करीब करीब 107 डिग्री फारेनहाइट रहता है, इसलिए उस टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए हम उनका आवास पर विशेष ध्यान देंगे। अगर आवास में अगर किसी तरह का गीलापन है उनके दीवार पर या हवादार ये नहीं है, मतलब ठंडी हवा घुस रही है अंदर, तो उसको हम विशेष रूप से ध्यान देंगे कि ठंडी हवा अंदर नहीं घुसने पाए। साथ ही उनके बिछावन जो रहता है, जिसको हम लीटर बोलते हैं, या जिस पे भी आप किसान भाई जिस पे भी रखते हैं, वो गीला नहीं रखेंगे, उसको हमेशा सूखा रखेंगे। और किसी कारणवश वो गीला भी हो गया तो उसको चेंज कर देंगे। और दीवार में किसी तरह का नमी नहीं रहना चाहिए। घर ऐसा रखेंगे ताकि दिन के समय पूरा सूरज की रोशनी पूरा अंदर तक जाए, ताकि वो पूरा मुर्गियों को गर्मी दे वो। और साथ ही वो रूम खिड़की जो भी है दिन के समय पूरा खोल के अच्छे से रखेंगे। जब तक सूरज की रोशनी अंदर जा रही है तब तक पूरा रूम को खुला छोड़ेंगे, और पूरा रूम हवादार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा कंजेस्टेड है या ठंड ये हवा सूरज की रोशनी नहीं घुसते, वैसा नहीं करेंगे। पूरा आवास पर विशेष ध्यान देंगे। और जूट का बोरा होता है उससे आपको दोनों तरफ ढक देना है। अगर जूट का बोरा नहीं होने पर विशेष परिस्थिति में आप प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर लाइट का व्यवस्था है तो आप 100 वाट या 200 वाट का बल्ब जला के रख दीजिए, ताकि उससे उनको गर्मी मिले। नहीं तो ठंडा छोड़ने के चल होगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा तो अपने आप को वो उस हिसाब से वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो इससे उनको मृत्यु दर बढ़ सकती है। अगर आपको कोई भी पेट्रोमैक्स होता है या फिर कोयला जला के भी आप रख सकते हैं, लेकिन धुआं नहीं होना चाहिए। कोयला जब उसका पूरा धुआं हट जाए तो थोड़ा सा जमीन से उठाकर उसको रख देना, ताकि रूम पूरा गर्म रहे वो। क्योंकि इनको अंदरूनी जैसा चूजा भी निकलता है, तो हम लोग देखे होंगे आप लोग किसान भाई लोग कि उसको हम लोग बल्ब के नीचे रखते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। इसलिए बड़े मुर्गी अगर बड़ी भी हो जाती है तो उनका तापमान को उनको मेंटेन करने के लिए उसके लिए आपको गर्मी देना बहुत जरूरी है, इसलिए आप उसको हमेशा सूखा जगह पे रखेंगे। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों को ठंड से बचाने के लिए गैस ब्रूडर, बांस के टोकने के ब्रूडर, चद्दर के ब्रूडर, पेट्रोलियम गैस, सिगड़ी, कोयला, लकड़ी के गिट्टे, हीटर इत्यादि की तैयारी चूजे आने के पहले ही कर लेनी चाहिए। दिसंबर आखिर और जनवरी महीने में ठंड अधिक रहती है, लिहाजा इस महीने में चूजा घर का तापमान 15 डिग्री फारेनहाइट होना अति आवश्यक है। जाड़े के मौसम में वो उनके पानी पीने की क्षमता थोड़ा कम हो जाती है, इसलिए पानी थोड़ा सा कम देंगे तो आप जैसे आप कुछ दवाई भी यूज कर सकते हैं, साथ में कुछ ये दे दीजिए विटामिन कर दे दीजिए उसको दवा साथ मिलाकर। तो मुर्गियों में भी वही होता है कि वो ज़्यादा खाती है वो, और इसलिए ज़्यादा खाने के चलते उनको एनर्जी रिच डाइट देंगे, जिसमें उनको ज़्यादा शरीर को गर्म मतलब कि अपने आप को गर्म रखने के लिए एनर्जी मिले। इसलिए हम ऐसा उसको जिसमें ऑयल हो फैट हो ज़्यादा हो वैसा फीड देंगे। जैसे हम लोग खली दे सकते हैं या तेल वाला घर का जो भी चीज़ है इसमें तेलीय पदार्थ ज़्यादा हो वो सब हम लोग देंगे, जिससे उसको एनर्जी मिलेगा। और पानी की मात्रा थोड़ा कम भी कर देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन खाने के लिए उसको हम बराबर पोषक तत्व देंगे अच्छा से, ताकि वो आपको वो गर्मी भी दे वो। इसमें आप खाने में आप बादाम खली बचा हुआ चावल दे सकते हैं, गेहूं भी दे सकते हैं उसको, या और फिर कुछ भी किचन वेस्ट है वो सब दे सकते हैं, और ये कुछ ग्रेजिंग करके भी खुद खा लेगी वो। और जो भी जैसे कुछ गाय वो भी पाले माले रखे हुए हैं तो कुछ उसका रखते हैं स्पेशल देते हैं, तो उसको भी मुर्गी को भी दे सकते हैं ये सब चीज़। और दाना जो भी आप खाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, ये किसी तरह फफूंदी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। चाहे पानी भी दे रहे हैं तो ठंडा पानी नहीं देना, अगर पानी जाड़े के मौसम में ऐसे ही पानी ठंडा रहता है तो थोड़ा सा उसको हल्का सा सुसुम कर लेंगे तब उसको पीने देंगे। ऐसे नहीं डायरेक्ट ठंडा पानी देंगे तो उसको ठंडा मार सकता है, निमोनिया पकड़ सकता है, फिर उसमें मृत्यु दर बढ़ सकती है। ठंडा पानी कभी नहीं देंगे उसको, पानी हमेशा थोड़ा सा सुसुम कर लेंगे उसके बाद पिलाएंगे उसको। कुछ बीमारी तो जाड़े के मौसम में जैसे कॉमन हो जाती है, जैसे कोराइजा हो सकता है, सर्दी से रिलेटेड हो गया, कोलेरा हो गया, कोराइजा हो गया, ये सब बीमारी पे कुछ होने का चांस ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में हम हल्का सा सुसुम पानी देंगे, साथ में इंद्रोफ्लॉक्सासिन जो अगर दवा आता है वो 5 ml 5 लीटर पानी में मिला के पिला सकते हैं, तो वो इसमें फ़ायदा करेगा। ये कुछ सर्दी हो रहा है, छींक हो रहा है, ऐसे कभी CRD पकड़ लेता है वो, उसमें भी पकड़ने का चांस रहता है, उस कंडीशन में आप ये इंद्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं या फिर टाइलोसिन एक पाउडर आता है वो दोनों दे सकते हैं आप। जाड़े के मौसम में मुर्गी दाना की खपत बढ़ जाती है, यदि मुर्गी दाना की खपत बढ़ नहीं रही है तो इसका मतलब है कि मुर्गियों में किसी बीमारी का प्रकोप चल रहा है।